चलो अपन सीपीआर की क्लास कंटिन्यू रखते हैं और अब समझते हैं भी प्रोसेस मतलब कैसे करना है, किस तरीका का करना है। एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को सीपीआर करना होता है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट असेसमेंट करते हैं कि वो कॉन्शियस है कि नहीं है। ये प्रोसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट में अपन क्या देखते हैं प्रोसेस में, फर्स्ट में अपन ये देखते हैं कि भाई पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है। ओके, अब रास्ते में कोई पेशेंट वही मैदान में पेड़ के नीचे सो रहा है और आप जा रहे हो, नहीं नहीं सीपीआर पड़ी हो, आपने भी सोचा कहीं देखा था यार सीपीआर करना है, पेशेंट मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको सीपीआर करना है, तो वो सो रहा है गहरी नींद में और जाके एकदम से जगाया कि सीपीआर की ये क्या कर रहे हो, ये सीपीआर कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है ना। तो अपन को सबसे पहले एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को सीपीआर करना है। सबसे पहले पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, तो पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं उसके लिए क्या करेंगे अपन, आर यू ओके, जो सोल्जर है दोनों एकदम से, अगर कोई एडल्ट है या चाइल्ड है तो वो बता सकता है कि मैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर नहीं होगा तो वो रेस्पॉन्स भी नहीं करेगा, मैंने बोलेगा भी नहीं, अनकॉन्शियस होगा तो ठीक है, तो आर यू ओके। जैसे कॉन्शियस पेशेंट अगर कॉन्शियस लेवल देखने के लिए अपन बोलेंगे भी आर यू ओके, तो वो अगर यस है मतलब नो नीड सीपीआर की उसको जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको सीपीआर की जरूरत नहीं, फिर वो पेशेंट ही नहीं रहेगा अगर हॉस्पिटल में, तो पेशेंट है वरना पेशेंट भी नहीं रहेगा वो, तो फिर उसको सीपीआर करने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है मतलब पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो फिर क्या करेगी सीनी से, तो भी ऐसा नहीं है कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है मतलब सीपीआर कर ले, है ना, तो उसको पहले अपन देखेंगे। सीनी सेट का मतलब ये है कि अपन उसको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आसपास जैसे रोड के मतलब बिल्कुल ही जस्ट सटीक बिल्कुल पास में अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वहाँ सीपीआर नहीं करके अपन ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे मतलब अपन भी सेफ रहे और पेशेंट भी सेफ रहे, तो ऐसी जगह ले जाने के लिए उसको सीनी सेफ। तो सीनी सेफ में क्या करेंगे कि टू मूव द क्लाइंट फ्लैट सरफेस। ओके, सीनी सेफ में मतलब उसमें भी अपन ये करेंगे टू मूव द क्लाइंट फ्लैट सरफेस टू प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन में अपन उसको सीपीआर कर रहे हैं तो एक फ्लैट पोजीशन होनी चाहिए, नहीं तो आप चेस्ट कंप्रेस करोगे, चेस्ट कंप्रेशन करोगे तो वो सुपाइन पोजीशन या फ्लैट पोजीशन नहीं होगी नीचे, मतलब सरफेस एरिया अगर फ्लैट नहीं होगा तो उसमें फिर आपको सीपीआर में दिक्कत आएगी और हाई क्वालिटी सीपीआर में नहीं आएगा, पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर अगर ये अपने जैसे प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन पेशेंट को दिला दी, उसके बाद में सीएबीडी की तरफ अपन बढ़ेंगे, उस सबसे पहले सर्कुलेशन देखेंगे, सर्कुलेशन देखने के लिए पल्स देखेंगे, पल्स में क्या करेंगे एडल्ट में अपन कैरोटिड पल्स देखते हैं, तो कैरोटिड पल्स अगर विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर अपन चेक करते हैं, 5 to 10 सेकेंड के अंदर अपने एंश्योर हो गए कि इसकी पल्स है कि नहीं है, तो कैरोटिड पल्स चेक करने के बाद में अगर उसकी पल्स अब्सेंट है तो उसका एयरवे चेक करेंगे। एयरवे चेक करने के लिए अपन जैसे कि मैंने बताया भी था कि एक तो हेड टीट चिन लिफ्ट वाली पोजीशन उससे चेक करना है एयरवे, अगर कोई इंजरी नहीं है तो, अगर पेशेंट में स्पाइनल नेक या ब्रेन की कोई भी इंजरी है और सस्पेक्टेड है, अपन को लग रहा है कि ये एक्सीडेंटल हुआ है उसको और ये प्रॉब्लम है, तो जॉ थ्रस्ट जो मेथड है जॉ थ्रस्ट मैनुअल उसके अकॉर्डिंग अपन उसका एयरवे क्लियर करेंगे। उसके बाद में ब्रीदिंग है वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे उसको, ठीक है, और ये तो इसमें आ गया प्रोसेस में। फिर लोकेशन चेस्ट कंप्रेस, अब अपन को ये सब कंफर्म कर लिया, पल्स देख ली, पल्स उसकी नहीं है सीपीआर करना है, तो ब्रीदिंग देख लिया, एयरवे क्लीन है कि नहीं है, एयरवे क्लियर कर दिया उसका, उसके बाद में ब्रीदिंग माउथ टू माउथ देनी, उसके बाद में अपन को चेस्ट कंप्रेशन करना है, लोकेशन ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन। तो एडल्ट और चाइल्ड में क्या होगा कि लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, चाइल्ड में लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, कई बार क्या होता है ये ना, ये स्टर्नम हो गई यहाँ तक, ये उसकी निपल है,
तो अपन को कई बार क्या होता है कि कई बार देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है सीपीआर में कि हार्ट उसके है ना लेफ्ट साइड में, तो अपन लेफ्ट साइड में उसके हार्ट के ऊपर सीपीआर करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना, ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड है। उसमें क्या करना है अपन को, लोअर हाफ, लोअर मतलब नीचे से हाफ, ये जो दोनों निपल है ना, निपल के जस्ट अगर इमेजिनरी अगर अपन लाइन खींचे ये, तो हथेली यहाँ रख के फिर सीपीआर करना है। हथेली दोनों बिल्कुल ही एकदम से स्ट्रेट होने चाहिए और ये इंटरलॉकिंग होना चाहिए हैंड टू हैंड। तो और ये इससे अपन यहाँ पे अपन सीपीआर करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में सीपीआर करेंगे, कभी भी राइट या लेफ्ट की तरफ कभी भी नहीं करेंगे, बीच में अपन उसको लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम की तरफ उसको सीपीआर करेंगे। और अगर छोटा बच्चा है तो बिल्कुल ही छोटा मतलब इन्फेंट है, तो फिर बिटवीन द निपल, बिल्कुल बिटवीन द निपल उसके अपन सीपीआर करेंगे। ओके, उसके बाद में मेथड ऑफ कंप्रेसर, मतलब चेस्ट कंप्रेस कितना करना है, उसकी हड्डियां थोड़ी तोड़नी, एक फिक्स पैरामीटर भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार आया है, कई बार मतलब कई बार आया है, एडल्ट में है चेस्ट कंप्रेसर, वो बोथ है, बोथ हैंड पीस, ये वाला है ना, ये वाला ये हो गया, ये इंटरलॉकिंग हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे करना, और हाथ हाथ बिल्कुल हैंड या दोनों हैंड बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में, और फिर ऐसे करना, और दोनों शोल्डर है उससे करना, ऐसे नहीं करना है ना, इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा उसका। तो बोथ हैंड मीन्स बोथ हैंड से ऐसे उसको कंप्रेस करना है, और एडल्ट में बोथ हैंड और चाइल्ड में भी बोथ हैंड, बोथ हैंड मतलब दोनों से। और अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट में अपन फिर क्या करेंगे, टू थंब मीन्स ये वाला, ये वाला, ये वाला टू थम, इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा है बच्चा, तो अपन क्या करेंगे फिर, या तो थम से ऐसे करेंगे, या फिंगर से ऐसे, ऐसे थम से हो गए, या फिंगर से ऐसे, इस तरीके से, उसमें हैंड यूज नहीं करेंगे इन्फेंट में। उसके बाद डेप्थ, चेस्ट कंप्रेसर जो है वो डेप्थ मतलब कितना दबाना है ना, जिससे सीपीआर हो जाए, नहीं तो रिप्स टूट जाएगी, ज्यादा दबाओगे तो रिप्स टूट जाएगी, और कम दबाओगे तो इफेक्टिव जो हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन, जो जिस पर्पज से अपन सीपीआर करेंगे वो पर्पज ही पूरा नहीं होगा अपना, है ना। तो हाई क्वालिटी सीपीआर में डेप्थ जो है और रेट है वो हमेशा सही रखनी होती है। तो इसमें डेप्थ में क्या होगा, फिर एडल्ट के लिए अपन 2 इंच या 5 सेंटीमीटर जो डेप्थ है चेस्ट कंप्रेसर की, जो डेप्थ है वो रखते हैं, मतलब 2 इंच उसका कंप्रेस करते हैं, या 2 इंच कंप्रेस करते हैं, 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करते हैं, दोनों में एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो। लेकिन अगर छोटा इन्फेंट है, बच्चा है, तो फिर 1.5 इंच मतलब जस्ट 2 से जस्ट 1.5 इंच मतलब 5.5 इंच कम, या 4 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस करना है। ओके, उसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सीपीआर में कि चेस्ट कंप्रेसर एंड वेंटिलेशन ये कितने रखना है उनको। सीपीआर में अगर रेस्क्यू एक है, याद रखना आप, अगर सीपीआर में रेस्क्यू एक है तो मतलब देने वाला, अगर वहाँ रेस्क्यू मीन्स जो बचाने वाला, जो पेशेंट को सीपीआर दे रहा है, अगर वो वहाँ एक है तो दूसरा तो अपन बुलाएंगे कहाँ से, एक ही है वो वहाँ पे। तो तीनों फॉर्मेट मतलब चाहे एडल्ट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे इन्फेंट हो, तो उस समय जो रेट होगी उसकी वो सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी मीन्स तीनों फॉर्मेट में। अगर रेस्क्यू एक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर वहाँ रेस्क्यू एक है और तो फिर इन्फेंट में कि आप कितना वो चेस्ट कंप्रेसर और वेंटिलेशन कितना दोगे, तो 30:2 का रेशो रहेगा, कितना रहेगा रेशो, 30:2 का, याद रखना तीनों फॉर्मेट में। रेस्क्यू एक है तो रेस्क्यू एक है मीन्स वहां पे बचाने वाला एक है, सीपीआर करने वाला एक है, तो एडल्ट में भी यही रहेगा, चाइल्ड में भी यही रहेगा, और इन्फेंट में भी यही रहेगा। 30:2 का मतलब 30:2 का मतलब ये होता है कि 30 तो चेस्ट कंप्रेसर मतलब 30 30 बार तो दबाना है, 1 2 3 4 चेस्ट कंप्रेसर करना है, और 2 है वो क्या है, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब 2 बार उसको ब्रीथ देनी है, सांस देनी है। कैसे, अगर बाहर है तो कोई हैंकी वैंकी रख के मुंह से देनी पड़ेगी, अगर हॉस्पिटल में है और मैकेनिकल वेंटिलेशन या इंटूबेशन नहीं किया है अभी तक पेशेंट का, एकदम से इमरजेंसी ओपीडी में आया, तो उस समय अपन एम्बू बैग से
दो का है वो ब्रीदिंग देगी। यहाँ तक क्लियर है? अगर रेस्क्यू दो है मतलब बचाने वाले अगर पांच में दो है, फिर इफेक्टिव सीपीआर और ही अच्छा मतलब देने की कोशिश करेंगे उसको, तो उस समय क्या करेंगे एडल्ट में तो 3:2 एडल्ट में नहीं बदला, चाहे एक रेस्क्यू हो चाहे दो रेस्क्यू हो एडल्ट में सेम ही रहेगा चेस्ट कंप्रेशन वर्सेस वेंटिलेशन के बीच में। अगर चाइल्ड है और रेस्क्यू दो है वहां पे तो 15:2 और इन्फेंट है तो 15:2, मतलब 15:2 का देके फिर वापस रेस्क्यू, 15:2 का देके एक वापस चेंज होगा, फिर 15:2 का देके वापस चेंज होगा, फिर 15:2 का देके वापस चेंज होगा। ना अगर यहाँ रेस्क्यू दो है तो फिर कम से कम 30 बार तो उसको चेस्ट कंप्रेशन देना ही पड़ेगा। 30 × 30 बार वो चेस्ट कंप्रेशन दे दिया और उसके बाद में दो ब्रीथ दे दी, फिर रेस्क्यू चेंज होगा, फिर 30 का चेस्ट कंप्रेशन दे दिया, फिर दो का ब्रीदिंग दे दिया, फिर उसको वापस रेस्क्यू चेंज होगा। ऐसे इसमें 30 × 2 30 × 2 का देके चेंज होगा, इसमें 15:2 का देके चेंज होगा, ये वाला है एक्चुअली में। रेट क्या रखनी है? चेस्ट कंप्रेसर रेट एटलीस्ट वर्ड एक यूज हुआ है इसमें, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम इतना तो देनी देनी है, एटलीस्ट 100 बीट्स पर मिनट। कितनी? 100, 1 मिनट में 60 सेकेंड ही होते हैं, तो 60 सेकेंड 1 सेकेंड से भी थोड़ा स्पीड, 100 बीट्स, 100 कंप्रेसर, 100 कंप्रेसर मतलब 100 1 2 3 4 5 ऐसे, और 20 पर मिनट, 100 मतलब 100 एटलीस्ट 100, एटलीस्ट 100 फिक्स, कोई जरूरी नहीं गिनने कौन बैठेगा वहां, गिनोगे थोड़ी कि फिक्स 100 होनी चाहिए, है ना? तो एटलीस्ट 100 कंप्रेसर पर मिनट के हिसाब से चेस्ट कंप्रेसर की जो रेट है वो तो रहनी चाहिए, है ना? तो ये हो गया आपके ये। अब मैं आपको बताऊंगा सॉकेबल रिदम, लास्ट रहा है यहाँ तक पहुंच गए, बट अब सॉकेबल रिदम, सॉकेबल रिदम मतलब कौन कौन सी, लास्ट में डीफैब रह गया है, CVD, मतलब डीफिब्रिलेटर में कौन कौन सी सॉकेबल रिदम है और कैसे यूज होता है वो मैं जस्ट बता रहा हूँ, है ना?